अस्सलाम वालेकुम क्लास 9, दिस इज़ आर लेक्चर 20 एंड वी आर डूइंग आर पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस पैसिव वाइज अफर्मेटिव सेंटेंसेस। वी हैव डन 1 to 13 सेंटेंसेस एंड इट्स टर्न ऑफ 14-1। 14th सेंटेंस है आपका, नसीमा सेक्रेटरी के ओहदे के लिए चुनी जा रही थी। सबसे पहली बात तो ये कि मैंने आपको इसके बारे में पैसिव वाइज के सेंटेंसेस की फॉर्मेशन और सब कुछ पहले लेक्चर में बता दिया था, मगर फिर भी ये है कि जब आपके पास सामने सेंटेंस आएगा तो आपने इस चीज़ को कैसे पहले असेस करना है कि ये एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में। अगर होता नसीमा सेक्रेटरी के ओहदे के लिए चुन रही थी, किसी को चुन रही थी, तो फिर ये एक्टिव सेंटेंस होना था। लेकिन नसीमा सेक्रेटरी के ओहदे के लिए चुनी जा रही थी, एक्शन किस पे हो रहा है? नसीमा पर। इसमें पहचान आप देखेंगे, थी है तो पास्ट टेंस है, रही है तो कॉन्टीन्यूस टेंस है, जा रही थी उससे पहले आ गया है, तो यानी कोई एक्शन उसके ऊपर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि ये पैसिव वॉइस सेंटेंस है। और पैसिव वॉइस सेंटेंस की पहचान क्या होगी? कॉन्टीन्यूस में, पास्ट कॉन्टीन्यूस में, कि इसमें आपके हेल्पिंग वर्ब वही वॉज एंड वर यूज़ होंगे और साथ बीइंग यूज़ होगा आईएनजी चुके हैं उसकी जगह पर। और इसको हम इस तरह से करेंगे, नसीमा वॉज बीइंग सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सेक्रेटरी। ओहदे के लिए क्या वोकैबुलरी हम यूज़ करेंगे? पोस्ट। वोटरों की फहरिस्त तैयार की जा रही थी, वोटरों की फहरिस्त, लिस्ट ऑफ वोटर्स, फहरिस्त होता है लिस्ट, लिस्ट ऑफ वोटर्स वॉज बीइंग प्रिपेयर्ड। 16-1, जहाज़ को समंदर में उतारा जा रहा था। समंदर में उतारा जा रहा था तो कौन सा जहाज़ होना चाहिए? ऑब्वियसली शिप होगा, एरोप्लेन तो आप यूज़ नहीं करेंगे ना। तो जहाज़ को समंदर में उतारा जा रहा था, द शिप वॉज बींग लॉन्च्ड इन द सी। सी कौन से वाला होगा? स्पेलिंग ध्यान से लिखने हैं, लॉन्च्ड आपकी प्रपोजिशन, इसमें वोकैबुलरी है। हर मोटर कार को वहाँ पर रोका जा रहा था, हर मोटर कार को वहाँ पर रोका जा रहा था। एवरी मोटर कार वॉज बींग स्टॉप्ड देयर। वहाँ के लिए क्या यूज़ करेंगे? देयर। यहाँ के लिए क्या होता है? हेयर। घोड़े पर जैन कसी जा रही थी। जैन कसना और लगाम देना, ये दो ऐसे सेंटेंसेस हैं जो अक्सर आते हैं और इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो। जैन कसना होता है सैडल, सैडल इसकी वोकैबुलरी। घोड़े पर जैन कसी जा रही थी, द हॉर्स वॉज बींग सैडल्ड। और अगर आ जाए घोड़े को लगाम दी जा रही थी, द हॉर्स वॉज बींग ब्राइडल्ड। ठीक है, इसको ध्यान से कर लेना है आपने। आदमियों को डूबने से बचाया जा रहा था, आदमियों को डूबने से बचाया जा रहा था। पीपल वर बींग सेव्ड फ्रॉम ड्राउनिंग। बे टिकट मुसाफिरों को जुर्माना किया जा रहा था। बे टिकट के लिए क्या होगा? टिकटलेस। और मुसाफिर क्या हैं? पैसेंजर्स। टिकटलेस पैसेंजर्स वर बींग फाइंड। फाइन आपका नाउन भी है और फाइन आपका वर्ब भी है, तो फाइन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑलवेज इन पैसिव वॉइस सेंटेंसेस। कले की हिफाजत की जा रही थी, कले के लिए क्या वर्ड यूज़ होएगा? फोर्ट। द फोर्ट वॉज बींग गार्डेड। इस जगह तस्वीरों की नुमाइश की जा रही थी, तस्वीरों की नुमाइश क्या होगा? द एग्जीबिशन ऑफ पेंटिंग्स। और की जा रही थी कि मुनक्कद की जा रही थी? वॉज बींग हेल्ड एट दिस प्लेस। The exhibition of paintings was being held at this place. हाल कमरे में जलसा मुनक्कद किया जा रहा था, हाल कमरे में जलसा मुनक्कद किया जा रहा था। इस सेंटेंस में भी अक्सर कन्फ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, जलसा क्या है? जलसा और जुलूस, इन दोनों में फ़र्क है। जो मूव करता है वो प्रोसेशन है, ठीक है, वो जलूस है। और जलसा क्या होता है? मीटिंग। द मीटिंग वॉज बींग हेल्ड इन हॉल, द मीटिंग वॉज बींग हेल्ड इन हॉल। गरीब तालबे इल्म से इजहार हमदर्दी किया जा रहा था, गरीब के लिए क्या होगा? द पुअर स्टूडेंट वॉज बींग सिंपेथाइज्ड। सिंपेथी होते हैं ना हमदर्दी, तो इसका वर्ब क्या हो जाएगा? सिंपेथाइज्ड, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। वहाँ मज़ूरों की देखभाल अच्छी तरह की जा रही थी। मज़ूर कौन होते हैं? द डिसेबल्ड।
द डिसेबल्ड प्लूरल है तो वर, द डिसेबल्ड वर बीइंग लुक्ड आफ्टर, लुक आफ्टर होता है देखभाल, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, तो लुक्ड आफ्टर देयर वेल. दीज आर द सेंटेंसेस फॉर द डे. और कोशिश किया करें कि आप लोग लेक्चर सुनने से पहले इन्हें खुद से पहले सॉल्व कर लें अपनी नोटबुक्स पे लेक्चर नंबर के अकॉर्डिंग, और बाद में इनको टैली कर लिया करें. नाउ दिस इज टर्न ऑफ योर सेंटेंसेस फॉर वर्ब करेक्शन. इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल. इफ़ यू कम आएगा क्यों? क्योंकि दो तीन चीज़ें हैं जिसमें आपने गौर करना है. इफ़ यू डैश आई शैल बी अवेलेबल, क्या होगा? विल कम, कम, केम, हैज़ कम, हैव कम, जो कुछ भी डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास आएंगी. लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि सेंटेंस के दो पार्ट्स हैं, दो क्लॉजेज हैं इस सेंटेंस में. एक इफ़ क्लॉज है आपकी और दूसरी आपकी मेन क्लॉज है. मेन क्लॉज कौन सी है? आई शैल बी अवेलेबल. ये आपका कौन सा टेंस है? फ्यूचर टेंस है. अब जो आपकी इफ़ क्लॉज है, इफ़ क्लॉज किस में होगी? प्रेजेंट टेंस में होगी, सिंपल प्रेजेंट में होगी. और इफ़ यू कम आई शैल बी अवेलेबल, अगर आप आते हो तो मैं मौजूद होऊंगा. और ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसी सेंटेंस को आपको कंडीशनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी असेस किया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि ये कौन सी टाइप ऑफ कंडीशनल है, कि ये कंडीशनल कौन सा है? कंडीशनल वन. नेक्स्ट सेंटेंस इज समीना डैश टू अस टुमारो. समीना डैश टू अस टुमारो. सेंटेंस को पढ़ते ही आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता होना चाहिए कि आपका सेंटेंस का टेंस कौन सा है. आपको यहाँ पे वर्ब की कौन सी फॉर्म ऑप्ट करेंगे? आपके पास जो गिवन है कम्स, विल कम, केम एंड हैड कम. लेकिन आप के जो की वर्ड्स हैं वो आपको लिखवाए गए हुए हैं साथ साथ. तो टुमारो है. टुमारो क्या होता है? कल. कौन सा कल? आने वाला कल. और जो प्रीवियस गुजर गया कल है उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? यस, यस्टरडे. अगर टुमारो होगा तो फिर आपका फ्यूचर टेंस बनेगा. तो इसके अकॉर्डिंग आप ऑप्ट करोगे, क्या आ जाएगा फ्यूचर के लिए? समीना विल कम टू अस टुमारो. ठीक है. और अगर यहाँ पे यस्टरडे होता तो फिर ऑब्वियसली आपने क्या करना था? इसके पास्ट टेंस को चूज़ करना था. नंबर थ्री, शी डैश लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2017. सिंस और फॉर आ गया है तो फ़ौरन आपने किस टेंस की तरफ मूव होना है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर? परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस. अब आप इसमें देखें कि परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में से कौन सा है? शी हैज़ बीन लिविंग, हैव बीन लिविंग, वॉज या विल बी. विल बी भी नहीं होगा, वॉज भी नहीं होगा और हैव नहीं होगा, क्योंकि शी है, शी के साथ आपका हैव नहीं आना है, हैज़ आना है. तो शी हैज़ बीन लिविंग. नंबर फोर, इफ़ यू डोंट डैश नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल. फिर देखिए आपके पास इफ़ क्लॉज के साथ ही आ गया. इफ़ यू डोंट नाउ, इफ़ यू डोंट गो नाउ, वेंट नाउ, गॉन नाउ, गोज नाउ, क्या आना चाहिए? इफ़ यू डोंट गो नाउ यू विल बी लेट फ्रॉम स्कूल. यहाँ फ्यूचर टेंस है नेक्स्ट आपका, तो इधर पहले में कौन सा? डोंट के साथ वैसे भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी आपकी. एंड द लास्ट सेंटेंस इज आई हर्ड अ नॉइस डैश फ्रॉम बिहाइंड द रूम. आई हर्ड अ नॉइस केम, कमिंग, कम, वेलकम. आई हर्ड अ नॉइस कमिंग फ्रॉम बिहाइंड द रूम. दीज आर द सेंटेंसेज फॉर द डे. लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द लेक्चर और डेट.